नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, आपकी इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज मैं एक और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक होता है। और इससे पहले, सबसे पहले तो आप हमारा ब्लॉगिंग चैनल देख लो, उसमें हम लोग लाइफ स्टाइल वीडियोज बनाते हैं डेली लाइफ के, जर्मनी के। और दूसरा, मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि जॉब से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप वहां पर पूछ सकते हो, और मेरे जानने पहचानने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मैं कांटेक्ट करके आपको आंसर दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। जैसा कि टॉपिक देख के आपको समझ में आ गया है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स। या तो आप इंडिया में बैठ के जॉब ढूंढ रहे हो जर्मनी में, या फिर आप यहीं पर हो और यहाँ पर ढूंढ रहे हो, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। मैंने ऑफकोर्स अपनी जो जॉब सर्च प्रोसेस है वो पूरी जर्नी जो है वो आप लोगों को पूरा सब कुछ बताया है, वो एक्सपीरियंस जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया है। और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो आप जल्दी से क्विकली देख सकते हो, और वो टिप्स जो है वो खुद से जो भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसमें यूज़ करके और आप सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो भी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली टिप ये है कि अगर आप जर्मनी में हो और आप इंग्लिश स्पीकिंग जॉब, या आप इंग्लिश स्पीकर हो और आपको जर्मन नहीं आती, आप फ्लुएंट नहीं हो जर्मन में, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लिंक्डइन में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑफकोर्स हमने सुना है जिंक, स्टेप स्टोन, मॉन्स्टर, ये सारे चीज़ें जो हमने सुनी है कि जर्मनी में ये सारी वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को जॉब मिलती है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स देख रहे हो तो आप लिंक्डइन में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। अगर आपको उसकी प्रीमियम मेंबरशिप लेनी हो तो आप वो भी लो। उससे क्या है, आप डायरेक्टली एचआर से या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इन दैट केस हो सकता है कि आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय या एचआर से कॉन्टैक्ट करते हो, अगर आप जेन्युइन हो और उन्हें जेन्युइन लगता है तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे ज़रूर फॉरवर्ड करते हैं। सेकेंड चीज़ जो एक टिप है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यूज़ करी और मुझे जो है वो काम करी, हो सकता है वो आपको भी काम करे, वो ये है कि आपका जो मोटिवेशन लेटर है ना वो बहुत ही इम्प्रेसिव बनाओ। इम्प्रेसिव बनाने का मतलब ये है कि उसमें आपका जो मोटिवेशन है इस जॉब के लिए, उसमें आप अपना जितने भी स्किल्स हैं, आप क्यों मोटिवेटेड हैं, उसका रीज़न क्या है, वो सब लिखने की कोशिश करो। तो आपको बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करना होगा। ऑफकोर्स जॉब के लिए तो मोटिवेशन हो गई तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन उसको ऑन पेपर कैसे आप अच्छे से लिख सकते हो, किस तरीके से सामना वाला जब वो पढ़े उसे कितना इम्प्रेसिव लगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो जो मोटिवेशन लेटर है वो ज़रूर आप कोशिश करो कि इम्प्रेसिव लिखे। अगर आपसे नहीं लिखते बनता है, फॉर एग्जांपल आप राइटिंग में इतना अच्छे नहीं हो, तो किसी से हेल्प ले लो मोटिवेशन लेटर के लिए। लेकिन जो आपके स्किल्स हैं, आपके जो मोटिवेशन है, आप उस कंपनी के लिए कितने फिट हो, वो सब चीज़ें जो है वो उसमें लिखने की कोशिश करो। आपके चांसेस फॉर श्योर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। मेरे हिसाब से, मेरे लिए ये वर्क किया है तो आपके लिए भी वर्क करेगा, तो एक बार करके देख लो। दूसरी बात इसी से रिलेटेड है, वो रिज्यूमे और कवर लेटर। अगर आप फ्लुएंट नहीं हो जर्मन में तो आप अपने रिज्यूमे और कवर लेटर जो है वो जर्मन में ट्रांसलेट मत करो। इससे क्या होगा, जैसे आप फ्लुएंट नहीं हो, आपने जर्मन में दोनों चीज़ लिख दी, फिर जब आपका इंटरव्यू होगा तो उनको फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको जर्मन आती है, क्योंकि ऑफकोर्स आपने रिज्यूमे और कवर लेटर जो है वो जर्मन में भेजा हुआ है, पर सही मायने में तो आपको जर्मन नहीं आती होगी। तो एक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस होते हैं और वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वेयर एज अगर आप दोनों चीज़ें जो है वो इंग्लिश में भेजोगे, और अगर जर्मन रिक्वायरमेंट होगी भी, तो भी उन्हें लगेगा कि बंदा जो है बहुत जेन्युइन है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रियलिटी है, वो सब कुछ सामने है। तो अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं जर्मन में, मतलब लैंग्वेज में, तो वो कर लेते हैं और आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये बोलेंगे ट्रांसलेट करो, पर मैं आपको ये बोलूंगी कि मत करो जब तक आपको बहुत अच्छी जर्मन नहीं आती है। और जब आपको बहुत अच्छी जर्मन आती है तो ऑफकोर्स आपको कवर लेटर और रिज्यूमे वगैरह सब कुछ जो है वो जर्मन में लिख के भेजना चाहिए। अगर वो कंपनी जो है वो लोकल है, इंटरनेशनल नहीं है, उन्हें इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है,
और अगर दोनों की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप हमेशा जो है वो इंग्लिश में अपना रिज्यूमे और कवर लेटर जो है वो भेजो। चौथी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो बढ़ा देगी, आपका परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो है कि आप जब कंपनी चूज करते हो या जब आप कंपनी को अपने रिज्यूमे भेजते हो, उसको अप्लाई करते हो उनकी वेबसाइट के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या और किसी जॉब वेबसाइट्स के थ्रू, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप कोई स्टार्टअप देखो सबसे पहली बात, दूसरी कोई इंटरनेशनल कंपनी देखो जो बहुत सारी मल्टीनेशनल जगह पर है, डिफरेंट जगह पर है या फिर इंटरनेशनल। ये क्या होगा, ये आप क्योंकि उस कंपनीज जो होती हैं स्टार्टअप और इंटरनेशनल, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी जगह के लोग होते हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है जर्मन का। अगर उनको चाहिए भी होता है तो कभी कभी वो जो है वो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कंपनी का माहौल जो है वो वैसे ही होता है इंग्लिश वाला, तो इग्नोर कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने ये गलती करी थी और ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये गलती ना करो, मेरे को जो भी दिखता था मैं सब में अप्लाई करती थी पर वो सही नहीं था क्योंकि कुछ यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पर वो कंपनी का कल्चर जो है वो पूरा का पूरा जर्मन बेस्ड कल्चर है। वो लोग जब लोगों को लेते भी हैं तो इस बेसिस पर लेते हैं कि उन्हें जर्मन आनी चाहिए, उन्हें यहाँ का कल्चर आना चाहिए, उनके साथ उनकी टीम में फिट होना चाहिए। और जब टीम में फिट होना चाहिए में तो ये फैक्टर ज़रूर आ जाता है कि आप नेटिव हो या नहीं हो, अगर आप बाहर के हो तो आपके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो मैंने गलती करी है वो गलती आप मत करना। आप जो है वो देखना स्टार्टअप बर्लिन में, म्यूनिक में, फ्रैंकफर्ट में, इवन स्टुटगार्ट में बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, सबसे ज़्यादा बर्लिन में। वहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी स्टार्टअप्स हैं, आप अपना प्रोफाइल से मैच करके वहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हो और आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इंटरनेशनल का भी यही सीन है, अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो कि वो इंडिया में भी है और यहाँ पर भी है, तो ट्राई करो कि आप इंटरनल जो है वो ट्रांसफ़र ले सको या उनसे बात करो कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ यहाँ आने का। तो ये दो चीज़ें हैं, ये आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी, इससे आपके परसेंटेज इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे आपने 100 कंपनी में जो है वो अप्लाई किया, उसमें से 10% जो है वो स्टार्टअप वगैरह है, तो आपके 10% चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि आई डोंट नो 90% बहुत केसेस में जो है वो आपकी एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि आप नेटिव नहीं हो। और ये रूल्स वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई होते हैं जहाँ पर छोटी जगह हो या फिर जहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा नहीं हो वहाँ पर। लास्ट पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को इसको अच्छे से सुनना पड़ेगा, वो ये है कि रेफरेंस जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। रेफरेंस इन द सेंस, जैसे मैं किसी कंपनी में हूँ, मैं ए कंपनी में हूँ, मेरी एक फ्रेंड आई और उसने मुझे बोला कि सुरभि देखो ये प्रोफाइल है, ये मेरे को मैच कर रही है मेरे एक्सपीरियंस पे और तुम्हारी कंपनी में इस ये जॉब जो है वो मुझे दिख रही है इंटरनेट पे, क्या तुम मुझे रेफर कर सकते हो? तो अगर मैं उसे रिफ़र कर दूंगी तो उसके चांसेस जो हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्टली उसका जो है वो इंटरव्यू हो जाएगा। वेयर एज अगर आप डायरेक्टली ऐसा करते हो, मैं अगर इंटरमीडिएटर नहीं हूँ तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट होगी, हो सकता है जो भी उनके एनालिटिक्स हैं, उनके पीछे की जो भी प्रोसेस है उसमें आपका रिज्यूम जो है वो सिलेक्ट ही ना हो। कभी कभी रिज्यूम जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होते हैं तो आपका रिज्यूम जो है वो सिलेक्ट ना हो, तो जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अगर आप जर्मनी आने वाले हो और आप सोच रहे हो कैसे आएँ, तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं इधर उधर उधर के वो सब कॉन्टैक्ट्स लगा दो। हो सकता है कभी कभी आप झिझकचाते हो कि यार हम पूछें या ना पूछें, लेकिन अगर राइट टाइम पे आप पूछ लो तो आपको शायद ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसी टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये थी सारी मेरी टिप्स, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी सांस बहुत चल रही है क्योंकि मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो क्योंकि अगेन 500 लाइक्स का टारगेट है। और अगर आप 500 लाइक कर देते हो तो मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छा लेके आऊँगी, आई प्रॉमिस। तो उसके लिए आपको वीडियो जो है वो शेयर करना पड़ेगा। हमारे जो लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स जो चल रहे हैं सुरभि एंड दीपक ब्लॉग्स में, वो देखना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, बहुत अच्छे अच्छे रील बना रहे हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टिप में सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी जो आपको नहीं पता था, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना।
बाय बाय गाइस एंड सी यू सून।